हेलो भाई, मैं अरुण पवार आज आपको दिखाने वाला हूँ अभी मारुति की नई आने वाली फ्रोनेक्स। भाई अब कोई इसको फ्रोनेक्स बोलता है, कोई फ्रोन्स बोलता है। ये मारुति पता नहीं क्यों नामों के साथ इतना खेलता है भाई। मतलब इनकी हर गाड़ी जो भी आती है ना उनके साथ कन्फ्यूजन रहती है। जैसे बलेनो आया करती तो कोई बेलिनो बोलता था, कोई बलिनो बोलता था, कोई बेलेनो बोलता था, मेरे जैसा बेलेनो कहता था। तो ऐसे ही है भाई, इसमें भी इन्होंने ऐसी कन्फ्यूजन निकाल दी है। ब्रेजा को देख लो, ब्रीजा कोई कहता है, कोई ब्रेजा कहता है। इनके नाम में ना सबसे मोटी कन्फ्यूजन होती है भाई। या फिर इनकी स्विफ्ट आया करती थी भाई, उसको कोई स्विफ्ट था, कोई शिफ्ट बोलता था, या फिर ग्रैंड विटारा कोई देख लो, कोई ग्रैंड विटारा बोलता है, कोई ग्रैंड विटारा बोलता है भाई। चलो ये तो यार कंपनी के साथ, कोई स्कॉर्पियो को स्कॉर्पियो बोलता है, कोई स्कॉर्पियो बोलता है। ऐसे फ्रोनेक्स को फ्रोन्स बोलेंगे, कोई फ्रोनेक्स बोलेगा। अरे गाड़ी समझ आनी चाहिए भाई, ये वही है ना फ्रोनेक्स। कितने लोग समझा करेंगे, आने वाले टाइम ही बताएगा ये तो कि फ्रोनेक्स कितनी मार्केट में बिकती है और कितना लोग उसको प्यार दिखाते हैं। 1.2 लीटर का इसके अंदर इंजन आ रहा है, तो डेल्टा प्लस है नॉर्मल वाला। मेनली भाई लोग यही खरीदते हैं। इन्होंने बलेनो के साथ भी एक बार टर्बो इंजन देने का ट्राई मारा था, लेकिन वो इतनी महंगी कर दी थी बलेनो आरएस बहुत मंदे टाइम में कि उनको फ्लॉप ही करनी पड़ी, बंदी करनी पड़ी। अब इसका देखते हैं टर्बो को लोग कितना प्यार दिखाते हैं मारुति के साथ, वरना इनके तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही ज़्यादातर मशहूर है। जितने आप देख रहे हो सारे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और यही ज़्यादातर बिकते हैं। जो परफॉर्मेंस वाला होगा वो देखते हैं मारुति लेता है नहीं लेता, क्योंकि इनके सबसे मोटा कंसर्न बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आता है भाई मारुति गाड़ियों का ना। लेकिन अब थोड़ा सा इन्होंने इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया अपनी गाड़ियों में, जैसे सुनने में आ रहा है थोड़ा सा 100-200 किलो 150 किलो हर गाड़ी का वेट बढ़ा रहे हैं। वो तो खैर अब ग्लोबल एनकैप की रेटिंग्स ही बताएंगी भाई कि कितना इन्होंने इम्प्रूवमेंट नेक्सा वाले अपनी गाड़ियों में कर रहे हैं। आप लोग बताओ भाई क्या प्रोनाउंस करोगे आप इसको, फ्रोन्स करोगे फ्रोनेक्स करोगे? आपने साफ गाड़ियों का तो रिव्यू बहुत देख लिया होगा, आज मैं आपको दिखाता हूँ जब शोरूम के बाद आप इसको ले लेते हो तो अगर ब्लू कलर लोगे तो रियल लाइफ में कैसी हो जाती है वो। तो आज आपके सामने भाई ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसका, आज इसके सारे फीचर्स देखने वाले हैं। 10.5 लाख रुपए की गाड़ी है ऑन रोड। ऑटोमेटिक अगर आप लेते हो और मैनुअल लोगे तो आपको भाई 10 लाख रुपए की पड़ेगी। तो क्या कुछ उसके हिसाब से ऑफर करेगी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भाई ये सामने से ना एकदम जैसा मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, पहली बार मैं जिंदगी में अपनी में इन आंखों से इस गाड़ी को देख रहा हूँ, जब से इस गाड़ी ने जन्म लिया फिर मैंने लिया एक ही बात कह सकते हो। तो पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ, पहला इंप्रेशन बताऊँ मतलब बोनट तो इसका बहुत चौड़ा चौड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन जब इसकी आप इसकी बात करोगे ना रूफ की तो ये थोड़ी सी बिछी बिछी सी महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है ये वाला जो पार्ट इसका बोनट एरिया ने थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच सा कर दिया कंप्यूटर में बैठ के किसी इंजीनियर ने कि चलो इसको थोड़ा सा खींच देता हूँ, गाड़ी में थोड़ी सी अच्छी लुक आ जाएगी। आगे से अगर लाइट लुइट को हटा दो तो भाई इसमें डिफरेंस ही नहीं है। आप जो ये विटारा है ना इनकी, बिल्कुल ये दोनों गाड़ियाँ सेम टू सेम सी ही नज़र आती हैं। अभी इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अभी जैसे हम इनसे पूछते हैं जो यहाँ के स्टाफ है तो ये कहते हैं भाई सिग्मा डेल्टा डेल्टा प्लस सबसे ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि 14-15 लाख रुपये की फ्रोनेक्स अल्फ़ा लेने का कोई भी सेंस नहीं है। अब इन्होंने इतने तो वेरिएंट निकाल दिए, इसके अंदर 5 वेरिएंट अपने को देखने को मिलते हैं, फिर उसमें भी इंजन ऑप्शंस कई सारे आ रहे हैं, फिर उसके बाद भी इसमें ट्रांसमिशन काफ़ी सारा है। जैसे इसमें एमटी आता है, अगर आप टर्बो वाला लोगे 1000 सीसी का जो इंजन है उसमें डुअल टर्बो, उसमें पावर वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस गाड़ी में आपको बलेनो जितनी पावर ही मिलेगी। खैर इस तो डिटेल में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ग्रिल की बात करोगे तो किस तरीके की ग्रिल आपको मिलती है, इसमें कैमरा वैमरा आपको नहीं मिलता है। ये सबसे बीच वाला वेरिएंट है डेल्टा प्लस, इसका नाम है सिग्मा डेल्टा डेल्टा प्लस और जेटा और अल्फा, ऐसे करके वेरिएंट्स का इसमें आ रहा है सिस्टम। इसकी DRL मिल रही है भाई, यहाँ पे अपने को इसकी वाइट LED मिल जाती है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कैसी हुई लगती है जलती हुई। इसके बाद साइड से आप बात करोगे तो इस तरीके की लुक आती है भाई निकल के, डेल्टा प्लस सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, जहाँ पे अपने को इसमें 16 इंचेस के ये अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको ऐसे ट्रस्ट नहीं है भाई बाहर के अलॉय पर, आपको अलॉय व्हील गाड़ी में चाहिए चाहिए और आपको व्हील कवर पे नहीं चलता आपका काम, तो फिर आप डेल्टा से अपग्रेड कर सकते हो। डेल्टा और डेल्टा प्लस में मोटा मोटा फर्क आपको अलॉय व्हील्स का ही देखने को मिलता है, जो आपको ये थोड़े से ब्लैक कलर के इस तरीके के मिलते हैं। ये मत समझना भाई कि आपको डेल्टा प्लस में मिलेगा, ये एक्चुअली एक एक्सेसरी का पार्ट है, जो आप ये सब देख रहे हो ना कि ऊपर डोर वाइजर लग रखे हैं और थोड़ा सा स्टाइलिंग जो हो रखी है फेंडर्स के ऊपर, दिस इज ऑल एक्सेसरीज का पार्ट। इसके लिए आपको छोटे मोटे के लिए कई सारी चीज़ें उनके लिए 19,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। नेक्सा की बैजिंग मिल रही है, पीछे से गाड़ी की लुक आपको इसको इस तरीके से देखने को मिलती है, जहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट इसमें ऐसे लगती है जब दिन होता है कि भाई ये जलती होगी, लेकिन रात में जब आप इसको ब्रेक व्रेक दबाओगे लाइट जलाओगे तो बीच में से लाइट नहीं जलती इसकी, वैसे लाइट बहुत खूबसूरत लगती हैं पीछे से। फ्रोन्स बढ़िया लगता है भाई गाड़ी देखने में ना। इसका एंटीना वेंटीना हो गया, इसमें सनरूफ वनरूफ नहीं आ रही है भाई, लेकिन थोड़ा सा ये क्रॉसओवर डिजाइन सा है, तो इसमें रूफ रेल वगैरह भी आपने को देखने को मिल जाती है। लग रही है भाई तो इतनी ओवर सी गाड़ी नहीं लग रही कि जैसे i20 एक्टिव लगा करती थी ना बहुत एकदम ऑकवर्ड ऑकवर्ड सी, ये गाड़ी इतनी ऑकवर्ड नहीं लग रही रियल लाइफ में। मैं आपको पर्सनल अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक लग रही है, साइड से थोड़ी छोटी लग रही है, लेकिन आगे से और पीछे से तो गाड़ी ने भाई
मजे वाली बात बांध दी है। बस एक जगह पे जहाँ पे भाई मजे वाली बात नहीं बांधी यार, वो इसमें कैमरा नहीं दिया डेल्टा प्लस। यार सेफ्टी पे ध्यान देते ही नहीं, आजकल सेफ्टी फीचर बन गया यार कैमरा। यार गुरखा जैसी गाड़ी उनको हाईलाइट कर करके लिखती है, और वही है यार इनका फिर अगला वाला वेरियंट जेटा कौन खरीदेगा, इसलिए इसमें नहीं दिया। बूट वूट इसमें अच्छा खासा है भाई, काफी सामान आप इसमें लेके जा सकते हो। लाइट वाइट इसमें दिख नहीं रही कहीं भी, हालांकि सामान वाम टाकने का हुक्का आपको जरूर मिल रहा है। चलो इसका नीचे वाला पार्ट एक्सेस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लो इस वाले में अलॉय व्हील नहीं है। अगर आप स्पेयर टायर की बात करोगे तो 16 इंचेस का मिल रहा है, जो बाकी के चार हैं वो भी 16 हैं। इसमें भी यार इन्होंने कोस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं करी, लेकिन कोस्ट कटिंग करना यहाँ पे नहीं भूलते। इनकी प्लास्टिक क्वालिटी है ना भाई, मेरे पे बंदे टाइम में बलेनो जो होती थी सेम क्वालिटी ऐसी थी, इसकी चीज़ को ये नहीं सुधारेंगे। पावर सेल्टर वगैरह आपको मिल रही है और यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे करना मत, ऐसे पकड़ के बॉडी को करना, वरना ये उखड़ के आ जाता है। प्लास्टिक इतनी हाई क्वालिटी की रहती नहीं मारुति की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर कुछ बलेनो से बोर हो गए, 2016 से बलेनो बिक रही है, तो आप इस गाड़ी की तरफ जरूर देख सकते हो। पब्लिक मुड़ मुड़ के देखेगी शायद से आपको, कि एक तो ग्रैंड विटारा की लुक भी हो गई अपना कम प्राइस में, फीचर्स भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, इंजन भी ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस इसके अंदर दे देता है। चलो इसके इंटीरियर में चलते हैं भाइयों। तो अब आ चुके हैं भाई डेल्टा प्लस के इंटीरियर के अंदर हम, फ्रोनेक्स के अंदर। ये भाई अब डेल्टा प्लस पता नहीं इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस करा, इनका हमेशा से ना सिग्मा डेल्टा जेटा अल्फा रहता था, तो इन्होंने इस बार सोचा कि चलो एक पांचवा वेरिएंट ऐड कर देते हैं डेल्टा प्लस। अब गामा वामा तो बीच में कहां घुसा है, तो इसलिए इन्होंने सोचा फ्रोनेक्स डेल्टा प्लस मार दो, उसमें थोड़े से फीचर्स एक्स्ट्रा कर देंगे। अभी डेल्टा प्लस में अपने को क्या मिलता है भाई, इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी, जो अपने को इंसर्ट करनी पड़ती है यहाँ पे। तो इसमें पुश स्टार्ट बटन वगैरह नहीं है, वो आपको एक वेरिएंट ऊपर जाके मिलता है जो आता है इनका जेटा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने की लगाई है, यहाँ पे मैं इग्निशन ऑन करूंगा तो वो भाई इतना शोर करता। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया इस वेरिएंट में, ये काफी कूल सा लगता है। इंटीरियर तो बना भाई अब मारुति की हर गाड़ी का एग्जैक्टली सेम हो गया है, और इस गाड़ी का तो पता ही नहीं चलता भाई यार, मतलब आगे से देखने पे ना बता ही नहीं सकते कि ये फ्रोनेक्स का ग्रैंड विटारा है। इस गाड़ी को ऐसे बनाया गया है एकदम, तो मिक्सचर सी लगते हैं भाई बलेनो का और आपकी ये ग्रैंड विटारा का, इन दोनों के ये देखो सामने से लिटरली नहीं बता सकता भाई कौन से, बिल्कुल माइनर से डिफरेंस है। तो इनके इंटीरियर कह लो या फिर ये एक्सटीरियर कह लो सेम सा ही होने लग गया है। पहले बहुत मंदे टाइम में बढ़िया रहा करता था भाई, स्विफ्ट डिजायर अलग से पिछनती थी, स्विफ्ट अलग पिछनती थी, बलेनो अलग पिछनती थी, लेकिन इस अब की बार पता नहीं यार सब में सेम यूनिट, सेम टू सेम इंटीरियर, सेम ये वाला यूनिट, सेम ये चीज, सेम यहाँ पे ये वाली चीज़ें ट्रैक्शन वाली ऑटो ऑन ऑफ वाली सब कुछ यहाँ पे सेम दी जा रही है। अब क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे अपने को मिलते हैं इसके स्पीडोमीटर, यहाँ पे अपने को टैकोमीटर की मार्किंग है, यहाँ पे 220 तक मार्किंग है। इसमें इंजन वही है भाई बलेनो वाला ही। अभी इसका प्राइस अगर मैं आपको पहले ही बता दूं तो भाई प्राइस इसका पड़ता है 10 लाख रुपये ऑन रोड हरियाणा में, अगर मैं आपको बताऊं। अब ये ऑटोमेटिक वाली तो 50-60 हज़ार रुपये और जोड़ लो, तो इसका जो AMT गियरबॉक्स के साथ आ रहा 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ, तो उसमें आपको 10.5 लाख रुपये के लगभग गाड़ी पड़ती है जिसमें ये वाली यूनिट मिल रही है। अच्छा ये है तो वही जो बलेनो और अल्टो एक्सप्रेसो में आया करती थी, लेकिन इसका इंटरफेस इस बार चेंज कर दिया गया है, लेकिन मुझे पहले वाले थोड़ा सा ज्यादा कूल सा लगता था भाई। ये भी ठीक है, थोड़ा सा एंड्रॉइड वाली फील देता है, वो वाला देता था कि अच्छा कोई मतलब ऐसे कंपनी वाला स्टीरियो है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम सा लगता था। इसमें काफी सेटिंग्स अपने को कितनी माइलेज दे रही है, कितनी एवरेज स्पीड अपनी रही है, वो सारी चीजें बताता है एंड्रॉइड ऑटो कार पे, तो ऑब्वियसली आपको पहले मतलब यहाँ पे देखोगे तो स्टीयरिंग कंट्रोल अपने को मिल रहे हैं वही भाई। ये स्टीयरिंग इनका स्विफ्ट डिजायर वाला कब जाके चेंज होगा, ये सबसे पहले डिजायर में आया था, लेकिन अब इसी स्टीयरिंग व्हील को ये चेपे जा रहे हैं यार, कितने साल हो गए भाई, थोड़ा तरक्की करो मारुति वालों। हमको पता है मतलब आपके आपने किस कंपनी में बनवा लिए इतने सारे स्टेयरिंग एक साथ है, आपके खत्म ही नहीं हो रहे। ये बटन देखना यार, आजकल कंपनी इतने मॉडर्न देने लगी, इसमें क्रूज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे वही 3 बटन टिपिकल मारुति स्टाइल में, और यहाँ पे अपने को ऑटो फोल्ड मिरर्स इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बटन दे रखा है, इसको दबाते अपने फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं, और चारों पावर विंडो अपने को यहाँ पे मिल रही है, और जो ड्राइवर वाली है वो अपने को एक बार वन टच डाउन मिलती है और वन टच अप भी मिल जाती है, और यहाँ से तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं। यहाँ पे बात करोगे तो ऑटो ऑन ऑफ का बटन है, ट्रैक्शन है, और यहाँ पे पूरा अपने को ये हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा भाई अपने को प्लास्टिक मिल रहा है। ऑटोमेटिक अपने को इसके अंदर लाइट्स देखने को मिल रही है भाई, और इसके जो शीशे है ना ये ORVMs है, ये भाई ऐसे लॉक वॉक करने पे फोल्ड वोल्ड नहीं होते, ये देखो अनलॉक करें बस, ये केवल यही है बटन से आप करवा सकते हो बस, और ये अपने को मिरर मिल जाता है जो कि अपने को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आप बात करोगे तो पीली लाइट देंगे, ये बलेनो वाला ही पूरा सिस्टम, सनग्लास होल्डर वगैरह कुछ नहीं है। यार पता नहीं इस गाड़ी को लेके क्या सोच है मारुति की, देखते हैं, या तो ये एकदम हिट हो जाएगी या फिर फ्लॉप भी हो सकती है भाई, कुछ नहीं पता। मतलब रिस्क वाली चीज़ है, मैं तो अपना ऑनेस्ट आपको थोड़ा सा बताऊँ, ये अपने को ग्लव बॉक्स मिल रहा है। इन्होंने सोचा बहुत ज़्यादा पार्ट्स आ रहे हैं, चलो एक और गाड़ी बनाते हैं, इंजीनियर्स खाली बैठे हैं, अब हर सेगमेंट में तो हमारी गाड़ी है ही, देखना दुनिया भर की गाड़ियाँ
लॉन्च करी रखी है, तो एक और बना देते हैं। इग्निस भी इससे ऊंची है, पता है आपको भाई, इग्निस भी इससे ऊंची सी गाड़ी लगती है। यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे अपने को फैब्रिक की सीट्स की मिल रही है, और यहाँ पे भी एक कपड़ा लगा रखा है पूरा, ये प्लास्टिक हो गया, ये कुछ अलग सी फील हो गई, ये पूरा सा पूरा अलग सिस्टम हो गया। यहाँ पे आप बात करोगे तो एक यूएसबी पोर्ट अपने को देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट जिसमें आप टायर वायर अपना भर सकते हो। वाह वाह, यहाँ पे दो कप होल्डर मिल रहे हैं, और ये इसका नॉर्मल सा एकदम भाई, इतना मतलब ऐसे है, इतना नकली सा फील होता है, मतलब पूछो मत ना। इसमें कैमरा नहीं मिलता पीछे एक साइड डेल्टा प्लस में भाई, मतलब ऐसे है कि सिंपल सिंपल सिस्टम है। ये न्यूट्रल कर लो आप, ये आर कर लो, वरना पी आर एंड डी वो सब होते हैं ना, इसमें देखना बस डी आर, और ऐसे आर प्लग वो रिवर्स करनी है तो ऐसे वो कर दो भाई। एक बदलाव और क्या मारुति ने इसमें, जैसे ये पार्किंग लाइट ऑन रहती है तो टक टक की आवाज सुनो इसकी कैसे करती है, हैं। और ये मीटर भी अच्छा लगने लग गया यार इसका, लेकिन वो जो बलेनो में पहले आया करता था ना यार, पहले जो 19 में फेसलिफ्ट, उसके मीटर किसी होड़ नहीं है यार। रेंज वेंज बताता है अपना, माइलेज वाइलेज बताता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तरीके से फ्यूल का सिस्टम आ गया है, सब कुछ डिजिटल कर दिया है मोस्टली चीज़ें ना, बस सुई हुई जो अपनी वो हैं लोग बची हैं। पीछे का स्पेस दिखाता हूँ भाइयों को, पीछे स्पेस कितना है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं मारुति से कहूँगा यार, क्या है भाई ये चाबी है, क्या रोग है, आज भी स्टिल ये चाबी चेंज ना हो रही है। अगर मैं मान लो ऐसे भूरे रंग की मैंने कोई पैंट पहन रखी है, इसमें मैंने डाल ली है भाई, ये ना ये चोंच सी गंदी हो जाती है, ये चोंच ना काली काली कर देती है उसको, जेब वेब को, और चुभती अलग है वो अलग, तो इसका थोड़ा सा अलग ही सिस्टम है। इसको फ्लिप की तो एटलीस्ट बना ही सकते हो यार, 2023 में जी रहे हो आप। चाबी तो चाबी, चाबी के फीचर्स और सुनो, जब लॉक अनलॉक करते हैं कैसी आवाज करती है। और यहाँ पे हम पीछे बात करेंगे भाई, तो पीछे कुछ इतना स्पेस मिलता है, ये देखो आप, ठीक है यार, स्पेस स्पेस स्पेशियस तो फील होती है यार ये गाड़ी। भले अपने सेगमेंट में सब ज्यादा स्पेस के लिए जानी जाती है गाड़ी, नो डाउट उसमें है भी भाई, लेकिन इसका भी अच्छा है थोड़ा सा, ये इसमें हमको सा ज्यादा सा दे दिया। यहाँ पे भी एक सॉकेट वॉकेट तो वैसे चार्ज करने के लिए यूएसबी देना चाहिए आज के टाइम में, तो वैसे पीछे चार्ज वार्ज करना है तो लॉन्ग रूट पे उसकी अहमियत पता चलती है। छत वैसी है इनकी खजीली से आज भी। यहाँ पे अपने को कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे अपने को एक के बीच ये मिल रहा है भाई, बीच में भी एक आर्मरेस्ट मिल रहा है, तीन आर्मरेस्ट बहुत सॉरी नेक रेस्ट अपने पीछे देखने को मिल रहे हैं। छोटा सा यहाँ पे अपने को एक ग्लास देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देखोगे पूरा का पूरा अपने को कपड़ा देखने को मिल रहा है इस डेल्टा प्लस वेरियंट में, पूरी पूरी हार्ड प्लास्टिक है, बाकी भाई फेब्रिक की सीट्स भी काफी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आप बात करोगे तो ये भी अपने को पीली लाइट, यहाँ पे फोन वोन अपना आप रख सकते हो यार। ये एक दिक्कत लगती है मेरे को, कहीं कहीं ये बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करते हैं मारुति वाले, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आर्मरेस्ट नहीं दिया ऑटोमेटिक गाड़ी में, आर्मरेस्ट नहीं है बंदा हाथ कहाँ रखेगा। दूसरी चीज ड्राइवर सीट है उसको हम हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते, ये इतने बेसिक फीचर हो चुके हैं आज की तारीख में, बट नहीं दिए तो नहीं कर क्या कर सकते। डेल्टा प्लस में आपको कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना पड़ेगा या फिर आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। अभी इंजन स्पेक्स की बात करने से पहले भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, हाईटेक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनी हुई है, जहां पे इनकी बलेनो वलेनो ये सारी गाड़ियां इनकी इसी प्लेटफॉर्म पे बनती हैं। इसमें 2 एयरबैग मिलते हैं, टॉप वेरिएंट में तो ऑब्वियसली बहुत फीचर्स मिलते हैं, जैसे 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, और अब ड्राइवर आर्मरेस्ट उसमें मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, रियर आपको फास्ट चार्जिंग यूएसबी मिल जाएगी, मतलब जो फीचर इसमें नहीं है वो सब टॉप वेरिएंट में मिलेंगे। लेकिन यार उसके लिए 14-15 लाख रुपए पे ऐसी फ्रोनेक्स जैसी गाड़ी पे खर्च करोगे क्या, मेरे को समझ से बाहर है। पर वो ये थोड़ा इंजन का मजा लेना है तो आप ले सकते हो। अभी जैसे ये वाला जो इंजन है, अभी जो नीचे वाले वेरिएंट होते हैं ना, वो उसमें भाई 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन आ रहा है, जो वही 1197 सीसी का इंजन है, 89 PS निकालता है। दूसरा जो उनका पावरफुल इंजन है वो 1.0 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट इंजन है 1000 सीसी का, जो 100 PS निकालता है। माइलेज दोनों की सेम है भाई, 21 के लगभग आपको मिल जाएगी, कंपनी क्लेम करती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में फर्क है केवल, जो आपको इसमें मिलता है वो 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ही AMT मिलता है। लेकिन अगर आप 1.0 लीटर टर्बो बूस्टर जेट लोगे तो उसमें 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ साथ आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक का भी ट्रांसमिशन दिया गया है। और यहाँ पे देख रहे हो आधी आधी सी रबड़ दी गई है केवल बोनट में यहाँ पे, और दूसरी साइड भी आप जाओगे तो आधा आधा सिस्टम दिया गया भाई। इसका ना बोनट का वेट सही में बढ़ा दिया है, पहले तो ऐसे प्लास्टिक सा आप लगा रहे हो ले रहे हो ऐसे बलेनो वलेनो फील होता था, इसका सही है बोनट का वेट तो बढ़ाया इन लोगों ने। वाइपर वही है आज भी, नकली एकदम नकली जमाने के वाइपर दे रखे हैं। और भाई मैंने लिटिल लिटिल सी चला के भी देखी ये 1.2 लीटर वाली ये गाड़ी, इसका स्मूथ है यार इसका ऑटोमेटिक ना, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों पर्सनली बलेनो से ज्यादा स्मूथ लगा यार, ऐसे पता नहीं चल रहा है इतना कुछ खास। बाकी मैं प्रॉपर टेस्ट ड्राइव करूंगा इसकी, उसके तब इसका रिव्यू शेयर करता हूँ मेरा पर्सनल क्या मानना है। लेकिन फिलहाल जैसे लिटिल लिटिल ड्राइव में तो भाई बढ़िया लगी मेरे को गाड़ी, इतनी स्मूथ भाई पता ही नहीं चलता यार इंजन ऑन है, वो इलेक्ट्रिक सी चलती है, मारुति के इंजन को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता पेट्रोल में। तो बताइए भाई कैसी लगी आपको 10.5 लाख रुपए की ये फ्रॉन्स। वीडियो देने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।